What's up everybody, welcome back to another new video। आज के इस वीडियो में हम लोग One Piece के एपिसोड नंबर 397 को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्द से जल्द सब्सक्राइब बटन दबा दो। तो अभी ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हैं, सीधा वीडियो स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि जो लूफी है उसने उस सेलेशियल ड्रैगन को एक ही पंच में उसका भर्ता बना दिया है। उसके मुंह से खून निकल रहा है, वो सेलेशियल ड्रैगन जिंदा है लेकिन उसका हालत बहुत ज्यादा खराब है। लेकिन ये देखने के बाद उस ऑक्शन हाउस में जितने सारे लोग हैं सब लोग बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं। किसी को समझ में ही नहीं आ रहा है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। किसी आम लोग ने, किसी पायरेट ने एक सेलेशियल ड्रैगन को मार दिया है। कोई इस बात को हजम ही नहीं कर पा रहा था। वहां पर जो सेलेशियल ड्रैगन चार्लोस है, उसका जो दीदी है, उसका जो बाप है, दोनों ही बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं कि उन लोगों के ऊपर किसी ने हाथ उठाया। जो ऑक्शन हाउस के लोग हैं उन लोगों को भी बहुत ज्यादा डर लग रहा है, जो ट्रूफॉलगार लो है। उसके बाद जो लूफी अब अपने टीम की तरफ घूमता और कहता है, आई एम सॉरी गाइस, मैंने इस बंदे को हिट किया, इसका मतलब जो नेवी का एडमिरल है वो हमारे पीछे पड़ जाएगा एक वारशिप लेके। आई एम सॉरी, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था, मुझे उसे मारना ही था, मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था। लेकिन हम लोग देखते हैं कि उसके जो क्रूमेट है कोई भी उसके ऊपर एंग्री नहीं है। जो जोरो है वो कहता है कि ये बंदा बहुत ज्यादा एनोइंग है, तूने उसको पहले पंच कर दिया वरना मैं इसको काट डालता, मैं बहुत ज्यादा एनोइंग हो गया था। इसके बाद यार कहती है कि हाची तुम ज्यादा हिलो मत, तुम्हें। और उसके बाद ही हम लोग देखता है कि वहां पर जो चार्लोस का डैड है, मतलब जो सेलेशियल ड्रैगन का डैड था, वो वहां पर है और वो चिल्ला के कहता है कि तुमने मेरे बेटे के ऊपर हमला किया, मैंने भी अपने बेटे के ऊपर कभी भी हाथ नहीं उठाया था। और उसके बाद ही वो रहता है, एक भी गोली लूफी को नहीं लगता और लगता है सब लोग बाहर से उठ के भगते रहता है। कहता है कि हम लोगों को बाहर जाना है, हम लोगों को बाहर जाना है। वहां पर बस वो लोग ही खड़े रहते हैं जो लोग बहुत खतरनाक पायरेट है, जैसे ट्रूफॉलगार लॉ, कैप्टन किड, ऐसे लोग। जो सांजी है वो बिल्कुल ही जंप करता है चार्लोस के डैड के ऊपर, उसके पास जो बंदूक फाइट करना स्टार्ट कर देता है। हम लोग देखते हैं कि वहां पर फ्रेंकी भी होता है। जो सांजी है वो कहता है कि हम लोग यहाँ पर संभाल लेंगे, तुम जाओ जाके उसका चाबी ले आओ। जो फ्रेंकी है वो कहता है ऑफ कोर्स मैं लेके आऊंगा। और उसके बाद हम लोग देखते हैं उस जेल के अंदर का सीन जहाँ पर वो जाइंड है और उसके पास में वो ओल्ड मैन भी है। जो ओल्ड मैन है वो दारू पी रहा है, कहता है कि मेरा दारू खत्म हो गया। जो जाइंड है वो उसे पूछ ही रहा है कि वहां पर क्या चल रहा है, लगता है बहुत बड़ा झमेला चल रहा है। जो ओल्ड मैन है वो कहता है कोई फर्क नहीं पड़ता, हम लोग बाहर जा रहे हैं। और ये वाला सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि जो सांजी है वो बहुत सारे गार्ड को पेल रहा है। जो जोरो है वो तात्सुमाकी यूज करता है, सारे के सारे गार्ड को काट डालता है। जो लूफी है वो गम गम व्हिप का यूज करता है, गम गम जेडो गैटलिंग का यूज करता है, बहुत सारे गार्ड को वो अकेले ही पेल रहा है। और जो फ्रेंकी है वो अपने मुंह से फायरबॉल जुत्सु करता है, नहीं फायरबॉल जुत्सु नहीं, मुंह से आग निकलता है, मैंने ऐसे ही बोल दिया। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे सेलेशियल गार्ड जो नामी है उसके पीछे पड़ जाते हैं। जो नामी है उसके पैर में अटक के वो ऊपर से नीचे गिर जाती है लुढ़कते हुए, और सीढ़ियों में लुढ़कते हुए एक चेयर में जाके वो अटक जाती है। लेकिन उसके बाद भी नामी का गिरा हुआ सीन भी बहुत ज्यादा सेक्सी है। लेकिन नामी को चारों तरफ से बहुत सारे गार्ड घेर लेते हैं। लेकिन जो नामी है वो कहती है कि तुम लोगों ने ऊपर की तरफ नहीं देखा, देखो ऊपर है थंडर क्लाउड। और वो थंडर टेम्पो से उन लोगों के ऊपर इलेक्ट्रिक अटैक करती है, उन लोगों को खत्म कर देती है। और वहां पर जो सेलेशियल ड्रैगन है वो कहता है कि यहाँ पर चल क्या रहा है, ये जो गार्ड है वो बहुत ज्यादा नाकामयाब है, वो लोग कुछ भी नहीं कर सकते, ये बस कुछ कॉमनर लोग है और कुछ पायरेट है जिन लोगों को कोई भी ज्ञान नहीं है, हम लोग क्रिएटर है, हमारे ब्लड लाइन को तुम लोग चैलेंज कर रहे हो। लेकिन हम लोग देखते हैं कि जो लूफी और उसके दोस्त है वो लोग बिल्कुल भी नहीं रुकते। जो सेलेशियल ड्रैगन के गार्ड होता है उन लोगों को एक एक करके सारे के सारे लोगों को पेल रहा है। जो जोरो है वो पेल रहा है, जो सांजी है वो पेल रहा है, जो फ्रेंकी है वो भी पेल रहा है, और जो लूफी है वो भी पेल रहा है। और उसके बाद जो लूफी है वो सेलेशियल ड्रैगन की तरफ घूमता है और चिल्ला के कहता है केमी कोई सेल करने का चीज नहीं है। और ये सुनने के बाद ही जो सेलेशियल ड्रैगन है उससे गुस्सा आ जाता है, उसके बॉडीगार्ड को बुलाता है और कहता है कि अभी के अभी कॉल कर नेवी के एडमिरल को, उन लोगों को बोल कि एक वॉरशिप लेके यहाँ पर आने का, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, मैं उन लोगों को दिखाऊंगा कि कौन बॉस है। और ये वाला सीन भी पर कट हो जाता है। अगले सीन में हम लोग उसब को देखते हैं, वो अभी भी फ्लाइंग शिप में बैठ के आ रहा है और उसके जो फ्लाइंग शिप है वहां पर कॉल आता है और वो लोग कहता है कि यहाँ पर सब लोग पहुंच चुके हैं। और ये सुनने के बाद जो उसब है वो कहता है कि बस मैं, रॉबिन और ब्रोक बाकी है, चलो हम लोग को जल्द से जल्द जाना है। लेकिन उतने में हम लोग देखते हैं कि जो उसब है वो फ्लाइंग शिप से गिर जाता है। लेकिन जो रॉबिन है वो अहम वक्त पे उसब को भी बचा लेता है। और जो उसब है वो कहता है कि तुम लोग भी आ गए, चलो हम लोग को जल्दी जाना पड़ेगा, हम लोग बहुत ज्यादा लेट है। और उसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि जो ह्यूमन ऑक्शन हाउस है उसके बाहर बहुत सारे नेवी के लोग आ जाते हैं, चारों तरफ से घेर लेते हैं। और वहां पर बहुत सारे नेवी के बड़े बड़े ऑफिसर भी आते हैं, वहां पर तोप मशीन गन ले आते हैं और चारों तरफ से नाकाबंदी कर लेते हैं। और ये वाला सीन भी पर कट हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग ऑक्शन हाउस के अंदर का सीन देखते हैं। जो लूफी और सांजी है वो दोनों बहुत ज्यादा फाइट कर रहे हैं, वो लोग कहते हैं कि ये लोग तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि उन लोगों के पीछे से जो जोरो है वो चिल्ला के कहता है कि तुम लोग बैठ जाओ। और उसके बाद ही वो वन सोर्ड स्टाइल 360 कैलिबर फिनिक्स अटैक करता है। जो लूफी और सांजी है बहुत ही मुश्किल से बैठता है, बहुत
ही मुश्किल से डॉच करता है और जो अटैक है वो जाके जो गार्ड्स है उन लोगों को खत्म कर देते हैं। जो केमी का वाटर ग्लास है उसमें भी जाके लगता है और जो वाटर ग्लास है जो कंटेनर है वो भी टूट जाता है। और जो लूफी और जो सोलो कहता है कि हम लोगों ने नहीं सुना था, तुम्हें और भी ज्यादा जोर से वार्निंग देना चाहिए, और ये वाला सीन भी पर कट हो जाता है। अगले सीन में हम लोग केमी को देखते हैं, उसका ऊपर का जो लीड है वो कट जाता है, इसलिए जो केमी है वो बात भी कर सकती है, उसको सुनाई भी देती है और वो चिल्ला के कहती है कि हची तुम ठीक हो ना। जो हची है वो कहता है हाँ ऑफकोर्स मैं ठीक हूँ। और उसके बाद हम लोग ट्रफलगर लॉ को देखते हैं और वो कहता है कि ये बंदा तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, 300 मिलियन बेरी बाउंटी, सच में ये स्ट्रॉ हैट लूफी कमाल का है। जो कैप्टन कीड है वो कहता है कि मैंने सुना था ये बंदा बहुत ज्यादा क्रेजी है और मैंने आज ये अपने आंखों से देख भी लिया, ये जो स्ट्रॉ हैट लूफी है वो सच में बहुत ज्यादा क्रेजी है, और ये वाला सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम लोग तीन फ्लाइंग फिश को देखते हैं, एक में उसब है, दूसरे में रॉबिन है और तीसरे में है ब्रोक, और तीनों ही कहते हैं कि हम लोगों को ऑक्शन हाउस के ऊपर क्रैश लैंडिंग करना पड़ेगा। और जो ब्रोक का है और जो रॉबिन का है दोनों का जो फ्लाइंग फिश है वो ऑक्शन हाउस के अंदर घुस जाता है और वो दोनों नीचे उतरते ही फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। जो रॉबिन है वो एक एक करके सब लोगों को क्लच करके मार रही है और जो ब्रोक है वो भी सब लोगों को पेल रहा है। उसके बाद हम लोग उसब को देखते हैं, उसको लैंड किया है ऑक्शन हाउस के ऊपर और वो चिल्ला के कहता है कि सब लोगों को बचाने वाला, सब लोगों का रक्षक उसब समा आ गया, उसको कोई भी नहीं हरा सकता। लेकिन जब वो ऊपर से नीचे की तरफ देखता है वो देखता है कि वो बहुत ज्यादा ऊपर है, बहुत ज्यादा डीप है। और ये देखने के बाद जो उसब है उसका फट जाता है, कहता है कि नहीं मैं यहाँ से जंप नहीं कर पाऊंगा, ये बहुत ज्यादा डीप है, अगर मैं इतने ऊपर से गिर गया तो मेरा हड्डी पसली टूट जाएगा। लेकिन हम लोग देखते हैं कि पीछे से जो फ्लाइंग फिश राइडर आता है वो जाके उसब को धक्का मारता है और वो ऊपर से नीचे गिर जाता है। वो बहुत ज्यादा चिल्ला रहा है, कहता है कि मैं तो मर जाऊंगा, मेरा आखिरी सांस चल रहा है। दूसरी तरफ हम लोग सेलिशियल ड्रैगन रोजोआर्ड को देखते हैं और वो कहता है कि तुम लोग अभी भी हार नहीं मान रहे हो, मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा, तुम लोगों को मैं खत्म कर दूंगा, तुम लोग बस रुको, नेवी के एडमिरल को आने दो, मैं सब लोगों को मार दूंगा, तुम लोगों को मैं स्लेव बनाऊंगा और तुम लोगों को मैं मार मार के खत्म करूंगा। और तभी हम लोग देखते हैं कि उसब आके वो जो रोजोआर्ड है उसके ऊपर गिरता है और ये सेलिशियल ड्रैगन का भी केस खत्म हो जाता है। जो उसब वो कहता है कि अरे मेरे को तो दर्द नहीं हुआ, मुझे लगा था कि बहुत ज्यादा दर्द होने वाला है, लेकिन वो देखता है कि वो किसी के ऊपर गिरा हुआ है और कहता है आई एम सॉरी मिस्टर। और उसब ब्रोक और रॉबिन को देखने के बाद जो लूफी है वो कहता है कि तुम लोग यहाँ पर आ गए, हम लोगों को अभी यहाँ से निकलना पड़ेगा। और जो उसब वो कहता है कि केमी कहाँ पर है, सब लोग कहता है देखो वहां पर केमी है लेकिन हम लोगों को चाबी चाहिए। और जब वो लोग ऐसा डिस्कस कर रहे थे पीछे से जो टूफलगर लॉ है वो कहता है कि नहीं तुम लोग भाग नहीं पाओगे, जो नेवी के लोग है उन लोगों ने पहले ही चारों तरफ से इस ऑक्शन हाउस को घेर लिया है। लेकिन मुझे ये नहीं पता कि जो नेवी के लोग है उन लोगों ने किस पायरेट को पकड़ने का प्लान किया है, लेकिन मैं गारंटी दे सकता हूँ कि उन लोगों को ये नहीं पता था कि जो सेलिशियल ड्रैगन है उन लोगों के ऊपर कोई हाथ उठाएगा। ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग बनते जा रहा है स्ट्रॉ हैट तुम्हारे वजह से। और उसके बाद जो लूफी है वो पूछता है कि कौन हो तुम, जो लूफी है उसको घंटा भी खबर नहीं है ये कौन है, लेकिन वहां पर रॉबिन होती है उसके पास सारा का सारा इन्फॉर्मेशन है। वो कहती है कि ये ट्रफलगर लॉ है और ये एक पायरेट है। और उसके बाद वो कहता है कि देखो दूसरी तरफ जो बंदा खड़ा हुआ है वो भी एक पायरेट है, उसका नाम है कैप्टन किड। सब लोग कैप्टन किड की तरफ देखते हैं, कहता है कि अरे ये वही पायरेट है जिसका बाउंटी लूफी से भी ज्यादा है। जो लूफी है वो कैप्टन किड की तरफ देखता है, जो कैप्टन किड है वो कुछ भी नहीं कहता, बस वो हंसते रहता है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि जो आखिरी बची हुई सेलिशियल ड्रैगन है वो चली जाती है केमी के पास और सीरिया में चढ़ के वहां पर बंदूक निकाल के बैठ जाती है और कहती है कि मैं इसको मार दूंगी। जो स्ट्रॉ हैट क्रू के लोग है सब लोग बहुत दूर है, उन लोग वहां से उसको प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। और जो ये लेडी सेलिशियल ड्रैगन है वो कहता है कि ये जो मरमेड है इसको लेके जितना सारा पंगा हो रहा है, मैं इसको मार दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं इसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो अपना गन उसकी तरफ ताकता है और गोली चलाने ही वाला था, उसका ट्रिगर दबाने ही वाला था, लेकिन उसी वक्त हम लोग देखते हैं कि कोई उसके ऊपर हाकी से अटैक करता है और जो लेडी सेलिशियल ड्रैगन है वो भी बेहोश हो जाती है, वो भी ऊपर से नीचे गिर जाती है। और भापा जितने सारे लोग है सब लोग कहते हैं कि क्या चल रहा है, सब कुछ चुपचाप हो जाता है, कोई भी बात नहीं करता, फाइटिंग भी स्टॉप हो जाता है। और तभी हम लोग देखते हैं एक दूसरी कॉर्नर पे वहां पर एक जगह एक दीवार टूटा हुआ है और उसके बाद ही सब लोगों का नजर जाता है स्टेज के पीछे की तरफ और सब लोग कहते हैं कि देखो वहां पर क्या है, जो स्टेज का पीछे का वॉल है वो टूटा हुआ है और बाहर से कोई चलते हुए आ रहा है। ये देखने के बाद सब लोग चुप हो जाते हैं और हम लोग देखते हैं कि और कोई नहीं, ये रेली है और उसके पीछे पीछे वो जाइन भी है। और जो रेली है वो कहता है कि मैंने बोला था ना वहां पर कुछ पंगा हो रहा है, ये जो ऑक्शन है वो खत्म हो चुका है। और उन दोनों को देखने के बाद कोई चिल्ला के कहता है कि ये लोग कौन है, और जो ऑक्शन हाउस का एक बंदा है वो कहता है कि ये तो हमारा माल है, हम लोग तो इन लोगों को ऑक्शन करने वाले थे, लेकिन वो लोग यहाँ पर कैसे आ गए। और उसके बाद ही वो लोग नोटिस करते हैं उन लोगों के गले में जो कॉलर होना चाहिए था वो कॉलर नहीं है। सब लोग चिल्लाते हैं और कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, जो जाइंड है, जो ओल्ड मैन है, उन लोगों के गले में कॉलर नहीं है, अब हम लोग क्या करें, हम लोग तो उन लोगों को रिस्ट्रेन भी नहीं कर सकते। और जो रेली है वो बहुत ज्यादा चिल्लाता है और उसके चिल्लाने की वजह से सब लोगों का अटेंशन उसकी तरफ चला जाता है। जो ट्रफलगर लॉ है वो रेली को देखने के बाद थोड़ा सा डर जाता है, जो कैप्टन किड है वो भी डर जाता है, और जो स्ट्रॉ हैट क्रू के लोग है उन लोगों को पता भी नहीं रेली कैसा दिखता है, कैसा है और ये रेली है या फिर नहीं। लेकिन उसको देखने के बाद जो हाची है वो चिल्ला के कहता है
रियली। और ये सुनने के बाद बाकी के लोग रिएक्ट करते हैं और कहते हैं कि जो ओल्ड क्राफ्ट्समैन की बात कर रहे हैं जिसको हम लोग ढूंढने के लिए आए थे, ये है वो रियली। और जो रियली है वो भी देखता है और कहता है कि हाची तुम यहाँ पर कैसे। और उसके बाद ही देखता है कि जो हाची है उसको बहुत ज्यादा वुंड हुआ है, उसको बहुत ज्यादा इंजुरी हुआ है। और उसके बाद वो चारों तरफ देखता है, सारे के सारे सेलेस्टियल ड्रैगन को देखता है, उन लोगों को देखने के बाद वो समझ जाता है और कहता है कि मुझे समझ में आ रहा है जनरल सिचुएशन यहाँ का क्या है। और उसके बाद वो हाची की तरफ देखता है और कहता है कि हाची तुमने अपने आप को बहुत बड़े मुश्किल में डाल लिया। और उसके बाद वो लूफी की तरफ देखता है और कहता है कि तुम लोगों ने हाची का मदद किया ना। और उसके बाद वो अपना हाथी उसका हाकी का पावर इतने ज्यादा खतरनाक होता है, वहां पर जितने सारे मेंबर थे जो सेलेस्टियल ड्रैगन का, उसका जो पार्टी का लोग थे और ये जो ऑक्शन हाउस का लोग थे, सब लोग एक साथ वहां पर बेहोश हो जाते हैं। और इसका पावर देखने के बाद सब लोग, सांजी है वो कहता है कि ये बंदा तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, इस ओल्ड मैन का प्रॉब्लम क्या है। जो जोरा है वो भी अपना तलवार पकड़ लेता है क्योंकि उसे भी कभी भी फाइट करना हो सकता है। और उसके बाद जो रेली है वो लूफी की तरफ देखता है और कहता है मंकी डी लूफी, ये जो स्ट्रॉ हैट है वो तुम पे बहुत ज्यादा सूट करता है क्योंकि तुम बहुत ज्यादा फियरलेस हो, मैं भी तुमसे मिलना चाहता था मंकी डी लूफी। और इसी पॉइंट पे ये वाला एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों को ये वाला वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो पे लाइक जरूर करना, चैनल पे एक सब्सक्राइब तो मार ही देना और वीडियो पे एक कमेंट भी कर देना। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।